साहिब जी जब लौ नहीं भाग लीलार उदय तब लौ भरमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुंदर में बूढ़ते कबू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी जिन्नी भी संगत सरवरे कैनात वालिया दो जहान समुची मनुखता दे अवतार जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणा विच सुभायमान है जुड़ बैठी है फतेह दी सांझ पाओ फतेह बुलाओ जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे पावन वाक अनुसार अज पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन प्रतख हर जिहड़े गुरु साहिब ने श्री हरिमंदर साहिब की रचना की जिहड़े गुरु साहिब ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल अज असीं जुड़ बैठे हाँ तुरकी बाणी नाल उन्होंने कत्तर की है जिन्हां नूं उन्हां दे नाना गुरु जी ने खिताब भी देता दोता बाणी का बोहिता बाणी दे बोहित होणगे बोहित जहाज जिन्हें चढ़ के सारा संसार लंघेगा बाणी पढ़ के पार होवेगा संसार वो बाणी दे रचनहार धन धन गुरु अर्जन देव महाराज दा अज व्याह दा पावन पुरब दिहाड़ा है गुरु अर्जन देव महाराज दा अज दे दिन 21 हाड़ नूं व्याह होया सी आप जी नूं बेनती कीती सी कि आपां महाराज दे व्याह दी कथा सरवण करांगे सो आप जी ने बड़े प्रेम दा सबूत दिता श्रद्धा भावना नाल टाइम नाल गुरु घर पहुँच के हाजरियां भरियां ने तुरकी बाणी दे पाठ सरवण कीते ने गुरु महाराज कृपा करे सानू सारयां महाराज बाणी नाल सिमर नाल अमृत वेले नाल जोड़ के रखे धन धन गुरु अर्जन देव महाराज दे व्याह दी कथा आपां सरवण करिए गुरु अर्जन देव महाराज दे पिता ने धन धन गुरु रामदास महाराज जी सतसंग जी गुरुआं दे व्याह जिहड़े हुंदे ने गुरुआं दी धीआं दे बच्चियां दे व्याह हुंदे ने दुनिया नूं सेध देण वाले हुंदे ने गुरुआं ने धीआं दे व्याह कीते बच्चियां दे साहिबजादियां दे व्याह कीते सानूं दस्सिया वी इस तरह करियो सुखी रहोगे सदा इस करके आपां कोशिश करिए अपने बच्चियां दे व्याहां दे विच गुरमर्यादा धारण दी जिंदे नाल असी भी अगला परिवार भी ते जेड़े अगले जीवन दे दिन शुरू होणगे बच्चियां दे सुखदायक शुरू होणगे जेड़े तरीके नाल गुरु महाराज ने सानू कृपा कीती है जेड़े सानू व्यंग ढंग महाराज ने दसे ने मर्यादा दसी है जेड़ी सानू गुरु अर्जन देव महाराज दा रिश्ता होया फलौर तहसील पैंदी है जलंधर इत्थे पिंड पैंदा मां ते इतिहासकारां ने माहों
महापुरशां ने माहू भी उच्चारण किया है। माहू पिंड विच रिश्ता होया ते जिन्हां नाल रिश्ता होया गुरु महाराज दे महल दा नाम है माता गंगा जी। सतसंग जी रिश्ता हो गया, रिश्ते तो पहला जिवें रिश्ता हो जाए विआह तो पहला एक चिट्ठी लिखी जाती है जिन्हों साहे चिट्ठी आपां कहिंदे हां। साहे चिट्ठी लिखी गई उन्दे विच दिन वार थित महीना लिखिया गया, इक्की हाड़ लिखिया गया। उन्दे विच लिखिया गया अमृत वेले जिहड़े आनंद कारज, इस करके उन्दे विच लिखिया गया बरातियां बारे, उन्दे विच लिखिया गया जंज बारे, उन्दे विच लिखिया गया किवें दा वेश होना चाहीदा बरातियां दा, उन्दे विच लिखिया गया गहिणियां दी बाबत। कवि श्री जोगा सिंह जोगी ने बड़ा सोहना इतिहास महाराज दा ए गायन कीता सुनाया। जोगा सिंह जोगी जी लिखते हैं कहिंदे ओ चिट्ठी विच मारन नूं कहा सारी बरात जिहड़ी जंज सरदारां दी आवे जी। सरदार मीनस अमीर, सरदार रजवाड़े हुए ने, मार दी कृपा हुई है सरदारां ते। उस सरदार आउण जी सारी बरात विच, फिर अमीर आउण, तनाड आउण, उन्हां दियां तुहाडियां पोशाकां नवीआं होण, कपड़े पोशाक मीनस कपड़े, पोशाकां जिहड़ियां नवीआं होण, फिर वरी दे इन्ने वधिया कपड़े होण कि लोकी देखण। फिर लिखदे ने गहने होने चाहिए हन, गहने सोने दे गहने पैरां वास्ते, चांदी दे गहने। फिर लिखदे ने बरात बग्गियां ते आउणी चाहीदी। वेलो किहड़े सन दी गल है, 500 साल पिछे तुर जो। इस करके कहिंदे बग्गियां ते आउणी चाहीदी, बग्गियां दे उत्ते बरात। पता लगे पिंडियां नूं। फिर कहिंदे ने छोट होनी चाहीदी है, मतलब माया दी वरखा होनी चाहीदी उत्ते। गुरु अर्जन देव महाराज ने ये चिट्ठी पढ़ी ते महाराज चिट्ठी का जवाब लिखते ने बरात आएगी सरदारां दी, बरात आएगी अमीरां दी, बरात आएगी तनाडां दी। पर हुण मार दी निगाह च किहड़े तनाड ने अमीर, उह तां दुनियावी थोड़ा निगाह सी, साडी दुनियावी हुंदी है। उन्हां दी निगाह विच सिमरन करन वाले तनाड ने, प्रभ को सिमरै से तनवंते। गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहब की पावन बाणी विच लिखे प्रभ को सिमरै से पतवंते। बरात आएगी जी पतवालियां दी आएगी, पतवंतियां दी आएगी। असल पतवंते होंदे ने जिहड़े बाणी नाल जुड़े ने, पत वाले लोग, गुरु मर्यादा वाले, जीवन वाले पत वाले लोग होंदे ने, उच्ची पत वाले। आएगी तनाडां दी आएगी, अमीरां दी आएगी, बग्गियां ते आएगी, बरात आएगी। उन्होंने लिखिया जी वाजा भी होवे, मतलब रौनक भी होवे। मार कहिंदे कोई वाजा नहीं होएगा, कोई छोट माया इसे वास्ते नहीं रब ने दित्ती वे सट्टो। फिर जदों घट जांदी घर दे विच, फिर कहिंदे जी माया बड़ी कमी चलदी है जी, बरकत पवे जी। 60 दे तां इंज उत्ते आ ते बरकत खे पैणी, बरकत पैणी गुरु घर दित्ते आ, बरकत पैणी है लोड़वंदां नूं दित्ते आ। पासा संजी जिहड़ी गुरमर्यादा उह तां गुरमर्यादा ही रहणी है, भावें कोई नूं अपनावे ना अपनावे। अपनाउण वाले भी हैगे ने गुरु दे प्यारे, उंज दे दो उहनां नूं, लो भाई अपना नाम।
पर माया की इस तरह विपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक पासे कहिंदे लक्ष्मी कमाल ही होगी, खैर अपना विशा नहीं हो, मारक ने छोड़ कोई नहीं होएगी, माया दे उत्ते वरखा नहीं होगी। उन्होंने लिखा भांडा आने चाहिए ने, तुहानू पता है अज तो 20 साल पहला भांडा आम ही आते होंगे सी व्याहां च, भांड आने चाहिए ने, मारक ने नहीं भांड भी नहीं आने, दस देने सानू व्याह किवें करने ने ते आपां किवें करने ने, वो अपनी मर्जी है। गुरु महाराज ने तो दसदा है भी जे तुसीं सुखी होना चाहुंदे हो तुहाडे बच्चे, फिर महाराज ने कहा कोई ज्यादा कपड़े नहीं तैयार करने, सतसंग जी 50-50, 20-20 सूट लड़की दे बना दिंदे ने पहला ही, जिन्ने नूं पाउण दी वारी आउंदी इन्ने नूं डिजाइन मॉडर्न चेंज हो जांदा, धरे तरह ही रह जांदे, की फायदा होया उहदा खर्च करके, कोई फायदा नहीं। महाराज सच्चे पातशाह ने चिट्ठी का जवाब लिखिया, बरात सरदारां दी आएगी, बरात तनाट दी आएगी, बरात विच अमीर होणगे, बरात सोहनी होएगी, सारियां गल्लां मंजूर कीतियां, पर कहिंदे ना छोट होएगी, ना भंड होएगी, ना वाजा होएगा, ये गल्लां नहीं होणगियां। ते जे गहणियां दी गल करदे, गहणियां दी गुरु घर कमी नहीं सी, सतसंग जी अज दी कोई सरकार नहीं बराबर च हो सकती, इन्ना पैसा सी गुरु घर, अज भी सारे पंजाब एक पासे होवे दुनिया की माया हरिमंदर साहब की एक, फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इन्नी कृपा है गुरु महाराज की हरिमंदर साहब। एक महाराज की पोशाक जिहड़ी लगती है ना 2 लाख तो शुरू है, अगे पता नहीं किन्ने 5 लाख का लगे रुमाला, 10 का लगे कोई कह नहीं सकते, पर 2 लाख तो घट नहीं लाना उन्होंने, 2 लाख तो शुरुआत है रुमाले की, इस तो घट नहीं लाना। जिहड़ियां लाइटां लगियां ने महाराज को लैंप 15-15 लाख दे, करोड़ करोड़ दे, एडा अमीर गुरु नानक का घर जिंदे घर विच गोल्डन टैंपल सोना ही डड़िया होया, कमी नहीं, वह घर विच दुनिया के राजे झुकते ने उत्थे आके, माया की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, दुनिया इतों मंग मंग के ले जाती माया, ददा दाता एक है सब को देवनहार, देंदा दे लेंदे थक पाए, कमी किवें हो सकती है। पर जिहड़ा काम गलत है ना वो गलत वास्ते नहीं माया वरतनी, महाराज ने दस्या अपन तुहाडे बच्चे किवें दिन रात कमाई करदे ने, माड़ा जा जाओ बाजार जे 1 लाख रुपये ला के आ जाओ, तो पर उहने बनाउणा 1 महीना दिन रात करके, सोच समझ के लाउणा चाहीदा ना, पर जदों जिन्हां ने कीती है मेहनत खून पीण सीने की कमाई उन्हां नूं पता है, वह तो उत्थे खाण लगे भी थोड़ा जा गुरेज कर लेंदे, चल ज़्यादा आपां की करना है, 4 पैसे घर वास्ते जुड़ जाणगे, की घूमना है, जे वह भी घूमण तुहाडे घर माया नहीं आएगी। सतसंग जी सोच के विचार के वरत्या करो, सही थां ते वरत्या करो। इस करके महाराज ने कहा गहने नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी कह गए ने आसा दी पावन बाणी विच, आसा दी वार, लख टक्कियां के मुंदड़े, लख टक्कियां के हार, जित तन पाई है नानका से तन होवे थ्यार। तो हुण साडियां भैणां ने अमृत छकिया है, तो बैठियां ने मतावां, तो जिस दिन अमृत छकाए सी गहने लाए सी जी, उस दिन गहने लवाए सी उन्होंने, मतलब वो तुसीं समझ ही गए हो क्यों लवाए सी, इधर नहीं लवाए मनाउणा, तुहाडा गहना नाम है, तुहाडा गहना बाणी है, तुहाडा गहना अमृत वेला है, लोड़ पैण ते आपां चलो समा विचार लैणा है, पर ज्यादा प्रीति महाराज नाल ही रखनी बाणी नाल। इस करके महाराज बरात की तैयारी की गई जंज की, उनके विच किहड़े ने महाराज अमृत वेले हरिमंदर साहब स्नान पानी करते ने, कहिंदे सुखमनी साहब का पाठ भी होया, बराचे कौन जाणगे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, बराचे कौन जाणगे भाई मंझ जी, बराचे कौन जाणगे भाई सालो जी,
ਬਰਾਚੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਰਾਚੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਖੇ ਲੱਖ ਨੇਤਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸੇ ਲੱਖ ਨੇਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚਾਲਾ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਚਾਲਾ। ਸੁਚਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖ ਨੇਤਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਕਾ ਕਹਿਆ ਦਿਰਗੈ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤੱਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਤ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੁੱਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੋ, ਫਲੌਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਖਰਚੇ 'ਚ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, 30-30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਆਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭੰਡ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਬੱਚੀਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਧੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਧੀ? ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਰਜਾਈ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ ਕਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਧੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੈਥੋਂ, ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਉਹ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਲ 'ਤੇ ਪਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੀਸ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪੀ ਉਹ।
बाकी बाबल कसर नहीं छड़दा, माँ प्यो तुसी बैठे हो, धीआं वाले कोई कसर नहीं छड़दा। जिन्ना वादा जो जोर लगता उन्ना लाउंदे ने, जिन्ना दिता जांदा। चलो तो उन्हां मापिआं दी खुशी हुंदी है, जे होवे तां दो जरूर, पर जिन्हां कोल नहीं है एवें करजाई होके करना। उह महाराज ने सानू सिख्या दित्ती वी इस तरह नहीं करना, क्योंकि गुरु अर्जन देव मार्ग कोई घाट नहीं सी। खैर उन्हां नूं जदों पता लगा वी इह तां गल कुछ वी नहीं है, ना वाजा ना भंड ना आतिशबाजी, ते जिहड़ी गल असीं वेखी इह तां कोई पौड़ियां वाला है, कोई इक अख तों है, कोई इक पैर तों है, कोई किवें कोई किवें। भी जिहड़ी गल असीं गई उह तां महाराज ने कितें दिसदी नहीं गई विच गल। ओह इस करके सतसंग जी उन्होंने की किया, पिंड दे चौधरी जिहड़े सी उन्होंने माता गंगा जी दे पिता जी नूं कहा कि तुसी ऐ करो, ये तां नक्क वढ़ता साडे पिंड दा गुरु अर्जन देव, नक्क दुनिया नक्क रखदी हुई बर्बाद हो रही है। रहा नक्क किसे दा? किसे दा नहीं रहा। नक्क नहीं रहना, नक्क रहना बाणी नाल सिमरन। कहिंदे नक्क वढ़ता गुरु अर्जन देव ने साडे पिंड दा, रिवाज है साढ़े पिंड का ये इस तरह बरात लियाउण दा। कह लंगे जो गल्लां सी कहीआं सी वह गल्लां नहीं हन इहदे विच। कहिंदे पाणी धाणी कुछ नहीं पुछना, देख लो किवें दे लोग सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आए बरात लै के, पाणी धाणी नहीं पुछया। जोगा सिंह जोगी जी कहिंदे ने पाणी भी नहीं पुछया प्रशादा दा, दूर की गल। उदों बरात रात नूं रहिंदी, नंबरदार जी इत्थे बैठे ने सियाणे सियाणे, उदो बरातां रात रहिंदियां हुंदियां सी। महाराज रात रहे उत्थे, ते ना कोई पाणी ना धाणी ना कोई जल प्रशादा कुछ भी नहीं। ते महाराज नूं बाबा बुढ़ा जी ने कहा, महाराज पाणी भी नहीं इहनां तां पुछिआ। महाराज कहिंदे कोई गल नहीं बाबा जी, पाणी छकणा पाणी छका दिंदे, उहनां दे हुक्म विच तां सारी प्रकिरति है। उत्थे ही महाराज ने मारिया जोर दी, कई कहिंदे नेजा कोई शास्त्र ला लो, उत्थों पाणी चलाता। महाराज उत्थे खूह है, अज जदों तुसीं जाओ कितें गुरद्वारे दर्शन करन, अज भी खूह है उत्थे जिथे महाराज दी बरात रुकी सी। जल छकिया कहिंदे हुण उन्हां ने रात नूं मीटिंग कीती सारिआं ने इकट्ठे हो के पिंडदिआं ने, भी इह तां कम गलत हो गया, असीं तां नहीं इहनां नूं धी देणी तोरनी। वह कह लगे आप इस तरह जवाब नहीं दे सकते, पुराने बजुर्गों की जबान होंगी सी सतसंग जी, जाते रहते ने नंबरदार पंचायत, जबान का मुल हों, जबान बड़ी वड्डी चीज होंगी है, जबान होया करती सी उदों उन्हां दी। वह कहिंदे जबान दित्ती है मोड़ नहीं सकते बरात आप। कहिंदे फिर गल नाल मोड़ो, कहो साडे पिंड दा रिवाज, जिहड़ा कोई इह सवाल कढ दे बरात लै के तुर जांदा है, नहीं तां बरात असीं वापस मुड़ दिंदे। की रिवाज है जी तुहाडे पिंड दा? साडे पिंड दा रिवाज है की कीता, रातों रात उन्हां ने एक जंड सी, जंड दीआं जड़ां बड़ियां हुंदीआं ने धरती दे विच, बड़ा निग्गर बड़ा मजबूत हुंदा है। उन्हां ने उह जड़ उत्तों जिहड़ा उह अपना सी जंड छांगता, किले दा रूप देता। कहिंदे साडे पिंड दा रिवाज जिहड़ा व्याहण हुंदा घोड़े ते चढ़ के, घोड़ा दूरों भजा के लियावे ते नेजे नाल उह किला पुट दे, उन्हां दे किला ही कहा, जंड थोड़ा कहा उन्हां। ते महाराज घट घट के अंतर की जाण, अंतर जामी सी गुरु अर्जन देव महाराज जाणदे नहीं सी, सब जाणदे सी। ते कहिंदे नेजे नाल पुट दे किला घोड़े ते सवार करके, नेजाबाजी तुसीं देखिआ निहंगा सिंघां दे जोर हुंदे ने जदों नेजाबाजी चलदी है ना, दूरों घोड़े लिया के। असीं छोटे छोटे हुंदे उदों पिंडां च आउंदे हुंदे सी, साडे पिंड वी आउंदे हुंदे सी, बड़ा उह अपना जोर दिखांदे, दो दो घोड़िआं ते इक इक जणा सवारी कर लैंदा सी, इक लत्त उत्ते इक हुंदे ते फुल स्पीड ते, फुल स्पीड दे विच घोड़े नूं दड़ा के किले पटदे सी। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहा, यह वैसे परंपरा उदों दी चली आ रही है गुरु अर्जन देव महाराज। महाराज कह लेंगे शर्त पूरी कर दांगे,
पर विआह नहीं करवाएंगे, शर्त पूरी कर देंगे। कह लेंगे दिन चढ़िया सच्चे पातशाह घोड़े ते तां आए सी सवार होके मारा घोड़ा पिछे नूं करके नसा के दड़ा के लियांदे ने घोड़ा। एडे महाराज बली सी सूरबीर भी शस्त्र धारी एडे सी महाराज परपक। गुरु अर्जन देव मान ने जोर दी वार जंड दे जड़ां च कीता, जड़ां समेत ही जंड पुट के रखता। सारा पिंड इकट्ठा होया सी वेखण वास्ते, उन्हें तो पता सी भी जंड हुण आपां नूं पता नहीं पिंड च भी फलाना दरख सी। इस करके महाराज ने जदों पुट के जड़ां समेत लंबियां लंबियां जड़ बाहर आईयां पईयां, सारिआं ने मूँह च हथ छे लै लिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज। महाराज कहिंदे जड़ां नहीं पुटियां गईयां, पिंड दीआं वी पुटियां गईयां ने। यही फिर नाम मिलदे हुंदे ने। ये नहीं गुरु अर्जन देव महाराज की गल, रब दे प्यारिआं नूं वी कोई तंग करे फिर जे वह चढ़ती कला दी हो सकता है तो फिर बज के रहना चाहिए। गुरु मनदा है उन्हां दा वचन, बिरथा नहीं जांदा। इस करके साध संग जी जो पुटता महाराज कहिंदे बरात मोड़ लो पिछे नूं, बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी भाई मन जी, ये जो गल उत्थे ना माता गंगा जी दी सहेलियां सी उन्होंने सुनी ते भज के गईयां जाके दस्या माता। उन्हां दी तां सहेली सी सखीए जिहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज तैनू विआहण वास्ते आ रहा है, उन्हां नाल इस तरह धोखा कीता पिंड दिआं ने, उन्होंने फिर भी जंड पुटता है पर कहिंदे विआह नहीं करवाउणा। ते शराप देता उन्होंने भी पिंड दीआं वी जड़ां पुटियां गईयां ने। ते एक महापुरश राड़े वालिआं दे सेवादार सी संत बाबा ईश्वर सिंह मां, वह सुनाउंदे सी इतिहास। वह कहिंदे सी महाराज ने एक बचन भी कीता सी, माहो मारी करतार विच वसदे झूठे सिर इन्हां दे टोपियां हथ फड़ ले ठूठे। भखारी बनाता सारा इत्थे राज दरबार, राज सरदारियां भी मिलदियां, राज बादशाहियां नज़र पट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराईंदा। सुल्ताना नूं घा खवा सकदा गुरु जे उहदी नज़र जे ना आवे, राजगी हो जे उहदी नज़र बदल जे, ते जे उहदी नज़र हो जे लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुर नज़र करे लखां खुशियां ते लखां पातशाहियां सिख नूं मिल जांदियां ने जे गुरु की नज़र सुली हो जाए। गुरु की नज़र विच ही है, सीधी होगी तो बेड़े पार, पुट्ठी होगी तो फिर गया काम। उन्होंने इस तरह बचन कर माता गंगा जी ने जोड़ा भी नहीं पाया, नंगे पैरे उत्थों भजे जाके घोड़े दियां वागां फड़ लियां, हथ जोड़ ले, नीवी पा ली, सच्चा पातशाह ऐ ना करो, मेरा तो कोई दोष नहीं इहदे विच। महाराज कहिंदे हाँ तुहाडा दोष नहीं है, महाराज ऐ ना जाओ। फिर सत सिंह उन्हां दी भी पता नहीं किन्ने जन्मां दी भगती होनी जिन्हां नूं इह अवसर प्राप्त होया गुरु दे महल दा, गुरु दे घर सपुत्र आउणा साहिबजादा, पता नहीं किन्ने जन्मां दा तप हो सकदा। गुरु दा सिख बनना भी तपां दी गल है सत सिंह जी, छोटी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल है। ते गुरु दी बाणी नाल गल्लां करनियां, बाणी पढ़नी सिमन करनी, ये भी वड्डी छोटी गल नहीं है, बड़ी कि वड्डी गल है। पिछले कोई भगती दे ने संस्कार जिहड़े बीज बीजे हुए ने, जिहड़े आपां हुण सुन रहे हैं। इस करके महाराज इन्हां नूं बख्श दो, तुसीं तां बख्शण हार होए भुल्लण हार, ऐ ना करो, इन्हां नूं शराप ना दो। महाराज बख्शाया किन्ने, माता गंगा ने कहिंदे जड़ां तां टुटियां गईयां ने, इक वारी हिलेगा पर वस जाएगा दूजी थां ते। ये असीं बचन करदे हां वस जाएगा। कहिंदे जिथे माता गंगा जी का गुरद्वारा ना जिथे विआह होया फिर वसिया द्वारे, जोगा सिंह जोगी ने कहा है। इस करके सतसंग जी फिर अमृत वेले आनंद कारज होए महाराज दे, उदों लावां दा पाठ हो चुका सी उचारण, गुरु रामदास महाराज ने उचारण किया 773 अंग
गुरु ग्रंथ साहिब सब तो थले सूही महला चौथा बाबा बुढ़ा जी पढ़ते ने हर पहलड़ी ला प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जीओ। चार लावां दा जाप हुंदा है, चार फेरे हुंदे ने। माता गंगा जी दा जिहड़ी मर्यादा अपनी ना अगे गुरु अर्जन देव महाराज पिछे वो पल्ले नूं फड़िया होया माता गंगा जी ने परिक्रमा। बाबा बुढ़ा जी ने लावां दा जाप कीता है। इस करके साध संगत जी खुशियां सहित फिर महाराज माता गंगा जी नूं व्याह के लै के आए। उत्थे अज गुरद्वारा भी शोभद है जिथे महाराज आनंद कारज हो व्याह होया। सो ये व्याह दी पुरब दी अज दा महाराज दा दिन है ना, अज दा दिन इक्की हाड़ वाला दिन। इस दिन महाराज दा व्याह होया सी, बरात गई सी, ते ए दिनां विच उत्थे मेला लगदा। कहिंदे दसदे पए सी पैर रखण नूं थां नहीं हुंदी, 19, 20, 21, 22 हाड़ इन बहुत भारी मेला लगता। महाराज का विआह मनाया जाता जिमें बटाले गुरु नानक देव महाराज, अज भी बड़ी रौनक होंगी उ। इस करके सतसंग जी आप जी ने बड़े प्रेम सत्कार गुरु अर्जन देव महाराज का प्रकाश अपना विआह पुरब की कथा सरवण की। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारियां। गुरु अर्जन देव महाराज के विआह पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। बेनती भुला हो गई होनी, माफ़ी दे। सारिया ने गुरु की देग लैनी है जी, गुरु की देग लैके तो नाले कल बेनती की सी मिठाई लियाओ, क्योंकि विआह च मिठाई अक्सर वरताई जाती है। तो संगत ने असी किसी नूं स्पैशल नहीं किया, अपने आप ही साडियां सत्कारयोग मातावां जिवें भी किसी कोल किसी ने अरदास किसी ने अपना मिठाई प्रसाद। बहुत धन्यवाद तुसी गुरु अर्जन देव महाराज के विआह पुरब की खुशियां नूं मनाया। महाराज तुहाडे बच्चों दी झोलियां खुशियां नाल भर दे, उन्हां दे घरां विच भी खुशियां बख्शे। दुध पुद्दियां दातां गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करे, तुहाडे बच्चों नूं तुहाडे परिवार नूं चढ़दी कला च रखे। आओ हुण गुरु अर्जन देव महाराज जस करिए, नाले देग लो नाले मठियाई लो।